नमस्कार दोस्तों, तो ये जो Realme 12X 5G ये जो स्मार्टफोन मैं पिछले कुछ दिन से लगातार इस्तेमाल कर रहा हूँ, वैसे इसके प्रॉपर गेमिंग टेस्ट मतलब परफॉर्मेंस टेस्ट के ऊपर मैंने एक डिटेल वाला वीडियो बना दिया, आई बटन में देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में देखेंगे, जैसे कि देख सकते हैं अभी इसका बैटरी लाइफ है एग्जैक्टली 2%, तो इसलिए इस वीडियो में देखेंगे इस स्मार्टफोन के साथ हमें जो मिलता है 45 वाट का चार्जर, उस 45 वाट के चार्जर की मदद से इसके बैटरी को 0 से 100% करने में कितना टाइम लेगा, उस दौरान इसमें टेम्परेचर कितना ज्यादा होगा, और जब इसमें 100% चार्ज हो जाएगा तो तब हम देखेंगे कि पर घंटे अगर हम इसमें लगातार गेम प्ले करेंगे तो कितना बैटरी डिक्रीज होगा, इस वीडियो में इस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिना कोई बात खबर आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेटो चैनल पे नए हैं और ऐसे टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेटो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जैसे कि देख सकते हैं अभी इसका बैटरी लाइफ है 1%, अभी मैं इसका चार्जिंग शुरू करता हूं। तो 5 मिनट इधर हो चुका है खत्म। अगर मैं इसके परसेंटेज के बारे में बात करें, जैसे कि देख सकते हैं 5 मिनट हुआ है एग्जैक्टली 10%, मतलब मिनट पे अभी 2% के आसपास एवरेज चल रहा है। और अगर हम टेम्परेचर के बारे में बात करें, बहुत ही माइनर सा टेम्परेचर है इस जगह में, देखिए 37, 35, 35, 35, 36, 34, मतलब कैसा देखिए फोन के पीछे के इस जगह पे और सामने का जो एज एरिया है इसमें आपको थोड़ा बहुत हीटिंग देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जब इसमें 15 मिनट खत्म हो जाएगा तब। तो 15 मिनट इधर हो चुका है खत्म। और अगर हम इसके परसेंटेज के बारे में बात करें, जैसे कि देख सकते हैं 27%, मतलब पहले 5 मिनट में था 10%, मतलब तभी उसका एवरेज हो रहा था मिनट में 2% के आसपास, लेकिन अभी 15 मिनट के अंदर ऑलरेडी इसका जो एवरेज परसेंटेज वो मिनट में 2% से नीचे हो चुका है। और अगर हम इसके टेम्परेचर के बारे में बात करें 37.7, 36.8, मतलब देख सकते कि ये जो एरिया चार्जिंग के दौरान इसमें टेम्परेचर हो रहा है वही 37 से 38 डिग्री के आसपास। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जब इसमें 30 मिनट हो जाएगा तब। तो 30 मिनट इधर हो चुका है खत्म। और अगर हम इसके परसेंटेज के बारे में बात करें, देखिए इसका परसेंटेज है 48%, मतलब कह सकते कि अभी मेरे ख्याल से इसका चार्जिंग हो रहा है मिनट में 1.5% के आसपास, क्योंकि 45 वाट चार्जर वाले फोन के हिसाब से मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्लो है। अभी अगर हम इसके टेम्परेचर के बारे में बात करें, जैसे कि देख सकते हैं इसका टेम्परेचर है वही 37-38 डिग्री के आसपास। तो मेरे ख्याल से चार्जिंग के टाइम स्मार्टफोन का टेम्परेचर ज्यादा ना हो इसका कारण इसका जो चार्जिंग स्पीड उसे थोड़ा सा कम किया गया, क्योंकि ये चीज ध्यान में रखना, अगर कोई स्मार्टफोन चार्जिंग के टाइम में बहुत ज्यादा हीट हो रहा है इसका मतलब स्मार्टफोन का जो लॉन्गजीविटी मतलब स्पेशली बैटरी का जो लॉन्गजीविटी वो एक्चुअली थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से बैटरी को लॉन्ग लास्टिंग यूज करने के लिए ऐसा किया गया है। तो जैसे कि देख सकते हैं इधर ऑलरेडी हो चुका है 50%। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जब इसमें 100% चार्ज हो जाएगा तब। तो फाइनली Realme 12X 5G चार्ज हो चुका है। वैसे चार्ज खत्म होने में आप देख सकते हैं लगभग 1.5 घंटे के आसपास टाइम लगा, मतलब काफी ज्यादा टाइम लगा। और मैंने ये जो चार्ज देने में Realme का जो ओरिजिनल 45 वाट का चार्जर वही मैंने इस्तेमाल किया है, किसी दूसरे ब्रांड का चार्जर मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। इधर से हमें ये चीज मालूम चलता है इसका जो चार्जर हो सकता है कि 45 वाट का चार्जर है, लेकिन फिर भी चार्ज कंप्लीट होने में काफी ज्यादा टाइम लेता है। अभी आपको से लगेगा कि इस स्मार्टफोन में क्या कोई प्रॉब्लम है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। रिसेंटली मैंने Realme 12 प्लस रिव्यू किया था 20,000 पे अवेलेबल है, उसके साथ हमें मिल रहा है 67 वाट का चार्जर और उसमें भी हमें मिलेगा 5000mAh बैटरी। तो 67 वाट के चार्जर की मदद से वो 5000mAh बैटरी वाला फोन चार्जिंग में मुझे टाइम लगाता है एग्जैक्टली 1 घंटा 15 मिनट के आसपास। तो अगर Realme के 67 वाट के चार्जर की मदद से फोन चार्ज होने में लगता है 1 घंटा 15 मिनट, तो 45 वाट चार्जर की मदद से चार्ज होने में ऑब्वियसली 1.5 घंटे ही लगेगा। तो मतलब इधर से हमें ये चीज मालूम चल रहा है रिसेंट टाइम में Realme के जो भी स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च हो रहा है उसका जो चार्जिंग जो एफिशिएंसी मतलब 1 मिनट में कितना ज्यादा चार्ज हो रहा है वो चीज मेरे ख्याल से थोड़ा सा कम हो चुका है। ये जो Realme 12X 5G इसे पूरा चार्ज देने में टाइम लगता है एग्जैक्टली 1.5 घंटे के आसपास। तो अभी तो हम शुरू करेंगे इसका प्रॉपर वाला गेमिंग टेस्ट। अभी गेमिंग में हम क्या चीज करेंगे, ये जो BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी और जो फ्री फायर मैक्स हम इसे बारी बारी में खेलेंगे और देखेंगे कि हर 1 घंटे में इसका बैटरी लाइफ कितना खत्म हो रहा है।
तो जैसे कि देख सकते हैं मैं पिछले ऑलमोस्ट एक घंटे से लगातार कॉल ऑफ ड्यूटी का मैं गेम प्ले कर रहा हूँ। पहले तो हम देखेंगे इसका बैटरी लाइफ। देखिए इसका बैटरी लाइफ अभी कितना है, 85%। और ये चीज ध्यान में रखना है, मैंने पूरा गेम प्ले लाउड स्पीकर पे, मैक्सिमम ब्राइटनेस पे, 120Hz रिफ्रेश रेट पे और सिर्फ वाईफाई पे मैंने खेला है, कोई भी 5G नेटवर्क मैंने इस्तेमाल नहीं किया, तो इसीलिए उस हिसाब से इसका बैटरी लाइफ एक घंटे में खत्म हुआ है एग्जैक्टली 15%। मतलब कह सकते हैं कि इसका जो बैटरी लाइफ प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक ठाक है। अगर वैसे वाईफाई में गेम प्ले करेंगे तो आपको 6 घंटे के आसपास लगातार गेम प्ले करने को मिलेगा। और अगर हम इसके टेम्परेचर के बारे में बात करें, देखिए 41, 39, 38, 39, 38, मतलब देख ही सकते कि जैसे कि मैंने इससे पहले भी दिखाया था कि जब मैंने इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके ऐसे मैंने गेम प्ले किया था तो तब भी इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर 42 से 43 डिग्री के आसपास ही था। तो मतलब देखिए वीडियो के आखिर में मैं बस आपको एक चीज कहना चाहूंगा, ये जो स्मार्टफोन ये जो 10-11 हज़ार के आसपास लॉन्च हुआ है, प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको ठीक ठाक गेमिंग करवा देगा। ऑब्वियसली प्रॉपर वाला गेमिंग स्मार्टफोन जैसा गेमिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि कभी कभार जब नजदीक एनिमी आ जाता है थोड़ा बहुत हैंग लैग के इशू ये सब आपको देखने को मिलेगा, मतलब जो कि नेचुरल है डायमेंसिटी 6100+ वाले फोन के हिसाब से। तो मतलब प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसका जो परफॉर्मेंस मैं तो कहूंगा कि डेफिनेटली जस्टिफाइड है। तो अभी आप मुझे कमेंट जरूर बताना कि क्या आप 11-12 हज़ार के प्राइस पॉइंट में ये जो स्मार्टफोन गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं या फिर नहीं, इसके बारे में मुझे क्वेश्चन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।